नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जश्न आज़ादी का त्यौहार आज पूरे देशवासी मना रहे हैं। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बिहार में भी इसको लेकर बड़ा आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने झंडोत्तोलन किया है और मन से यह ऐलान कर दिया है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें महंगाई भत्ता 17% मिलता था, अब उसे 11% तक बढ़ा दिया गया है और जल्द ही वित्त विभाग इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब लोगों को 28% का महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि उनका जो डीए है उसमें 11% की वृद्धि कर दी गई है, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। अब राज्य सरकार यानी कि बिहार की जो सरकार है वो अपने सरकारी कर्मचारियों को, जो उनके सरकारी मुलाजिम हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने आज मन से ऐलान कर दिया है झंडोत्तोलन करने के पश्चात कि अब राज्य सरकार के जितने कर्मचारी हैं उन्हें भी महंगाई भत्ता 28% तक मिलेगा, 11% की वृद्धि की गई है। क्या कुछ कहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मन से, जरा सुनिए। राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% में जो मिलता है, अब केंद्र ने जो तय कर दिया 28%, तो अब राज्य में भी अब उसको बढ़ा करके महंगाई भत्ता का दर 11% बढ़ाते हुए यानी 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया जाएगा और इसके संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा, ताकि अब सब लोगों को, सोच लीजिए, फायदा हो जाएगा। सारे हमारे जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों को भी 28% का होगा। तो ये भी काम हम लोगों ने कर दिया है। तो आपने सुना, केंद्र सरकार एक तरफ जहां अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा रही थी उसे 28% तक कर दिया गया था, तो अब बिहार सरकार के भी जितने कर्मचारी हैं उनका भी डीए 11% तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मन से इस बात का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि जल्द ही वित्त विभाग इसको लेकर अधिसूचना जो है वो जारी कर देगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी काम करते थे, जिसकी लंबे समय से मांग भी थी, कोरोना काल को देखते हुए डीए नहीं बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि कोरोना काल के दौर में काफ़ी सारे राज्य सरकार के खर्चे भी हो रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ सरकार को मुहैया करानी थी आम लोगों को, इसलिए डीए नहीं बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब जो लंबा इंतज़ार था सरकारी कर्मचारियों का वो अब ख़त्म हो गया है और नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है, तो बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को कि अब उनका डीए बढ़ गया है। जल्द ही मतलब कि एक सप्ताह के अंदर अंदर अब इसका आधिकारिक जो अधिसूचना है वो जारी कर दिया जाएगा और फिर आपका डीए जो है आपको अब 28% तक मिल पाएगा। बिहार सरकार ने भी एक कदम जो उठाया है इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।